आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव सिरसवां गौड़ पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 15 किलोमीटर और ब्लॉक से 18 किलोमीटर है। 5000 वोटों वाले और 18000 जनसंख्या वाले इस गांव की जिम्मेदारी श्रीमती मैसर जहां संभाले हुए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधानपति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के सिरसवां गौड़ गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधानपति के पास। टुडे 24 में न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ प्रधान आपकी पत्नी है जी। आप प्रधानपति होने के नाते हमें इतनी जानकारी दीजिए कि 4 साल कार्यकाल को इनके पूरे हो चुके हैं प्रधान जी के, क्या क्या विकास कर रहे हैं यहाँ गांव में? मतलब काम बहुत विकास कराया, रास्ते कराए हैं जी। नालियाँ वगैरह भी बनवाई है, मिट्टी भी डलवाई है, जहाँ क्या नाम है घर खरीदे, आवास मिले हैं यहाँ लोगों को, आवास ही मिले हैं। शौचालय से गांव ओडीएफ हो गया पूरा। हाँ जी, रह गए हैं 10-20-50-40 लोग रह गए हैं जिनके यहाँ पर। जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो मुफ्त में सरकार ने करवाए हैं, क्या गांव में सभी के हो गए हैं ये? ना अभी बहुत रह गए हैं, इनका लाभ सभी को नहीं मिला अभी तक। सबको नहीं, किसानों के खातों में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, क्या वो मिला है? वो आधों में मिला, आधों ना मिला। किसानों को बीजों पर सब्सिडी मिल रही है? ना, हमारे गांव में तो अभी कोई सब्सिडी मिली नहीं। आधों में मिला, 2000 रुपये जो कम लोगों को मिल पाता है यहाँ, उसमें क्या वजह रह जाती है? क्या लोगों के कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती, या कभी पटवारी को संबोधन दिए हो इन्होंने, क्या नाम है अपने कागज जी, ऐसी है और ऐसी बात ना है। उधर ही हमारा रोड बहुत गंदा है यहाँ। स्कूल पर भी कार्य करवाए हैं आपने? हाँ कराया, कमरे बनवाया है, वो देखने की है, बढ़िया कराया है। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ बारात घर है, बड़ा घर है एक, मगर वो उसमें टूटा फूटा है, उसकी कोई पैसा वैसा आए ना उसकी मरम्मत हुई ना कुछ हुआ ऐसी। उसके आपने कहीं कोई शिकायत प्रस्ताव रखा है इसके लिए? हाँ करा था हमने, शिकायत भी करी, उसका कोई पैसा ना आया तो कहाँ से। पंचायत घर है? पंचायत घर जो है, अच्छा बारात घर पंचायत घर यही है, पंचायत भवन है खाली। खेल का मैदान है? खेल का मैदान है, उसके बाउंड्री का पैसा उतरना है, मैदान ही पड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। शमशान घाट कब्रिस्तान? कब्रिस्तान भी है, शमशान घाट इनकी बाउंड्री वॉल हो रखी है। आप कब्रिस्तान की हो रखी है, उसकी कराने की हम ध्यान करा रहे हैं, उसके शमशान घाट का, शमशान घाट का मार वो इतना पैसा नहीं आ गया उसके पास। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? एक तो हमारे गाँव में रोड इतनी बड़ी गलत है, 4-5 गाँवों का निकास है, यहाँ पानी भरा रहता है, बच्चों स्कूल जाते हैं। PWD की रोड है ये, बहुत परेशानी, ज्यादा परेशानी। कितने सालों से ये रोड इसी हालत में है? 4-5 साल से बस बेकार ही हुई पड़ी है। क्या आपने इसके लिए कहीं कोई शिकायत रखी DM साहब से, या कहीं PWD विभाग में कोई कार्रवाई? सब में गली कोई सुनवाई ना है कहीं तक, आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत बड़ा, क्या यहाँ सांसद विधायक कोई आकर यहाँ इसका नजारा किया है, देखा है, किसी ने जांच की है? निकलते रोड पे उनको जब दूर निकलते उन्हें दिखता ना रोड गलत है, ऐसे ही है आज तक, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव में यहाँ आती है? बस समस्या ये पानी निकलता नहीं है, रोड गहरी हो गई, अब गांव के अंदर तो बहुत परेशान है, दोनों साइडों में नाले बनने चाहिए, पानी निकलना चाहिए, गांव गंदिया ही, सड़क का निर्माण होना चाहिए, कोई निर्माण होना चाहिए, हमारे लिए मच्छर उच्छर सब पैदा, गंदियाई सब हो रही जी, बुखार झाड़े सब बच्चों को आ रही, परेशान है। काफी बड़ी आबादी जनसंख्या का, लगभग 20,000 जनसंख्या का ये गाँव है आपका, इसमें अस्पताल है बना हुआ? अस्पताल वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, अस्पताल बना है लेकिन डॉक्टर नहीं बैठते, कब से नहीं बैठते हैं? ये तो बहुत टाइम हो गया। यहाँ से अस्पताल कितनी दूर है? ये हमारे गांव में ही नहर पे, वहाँ जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते, तो आप लोगों को यहाँ गांव में जो मरीजों को परेशानी होती है तो वहाँ दवाई के लिए, इलाज के लिए कहाँ तक जाना पड़ता है, कितनी दूर जाना पड़ता है? भोजपुर जाना है, वो भी कम, ना तो प्राइवेट अभी दिखाना है, जैसे प्राइवेट डॉक्टर वैसे ही है लोग। इसके बारे में भी कोई शिकायत कार्रवाई अभी तक नहीं, कोई सुनवाई ना है, क्या करें, बड़े परेशान है लोग, बेचारे क्या करें, सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिल रहा। जैसा कि आपने देखा प्रधानपति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास वैसे तो इस गांव में प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे कि सड़कें, सीसी टाइल्स कार्य, आवास भी दिलवाए हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है। लेकिन यदि यहाँ समस्याओं की तरफ हम नजर करते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ हमारे सामने आई हैं, जैसे कि एक रोड जो PW विभाग में आती है, यहाँ कई सालों से इसकी हालत इतनी खराब है, पानी भरा हुआ जल भराव का यहाँ जो है नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे काफी बीमारियां यहाँ फैल रही हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांसद विधायक
तक से इन लोगों ने यहाँ मदद मांगी है, लेकिन अभी तक आज तक इसकी ना कोई सुनवाई ना कोई कार्रवाई अभी तक हुई है। क्यों, क्या शासन या प्रशासन जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे या उसमें कोई और मसला है, किस वजह से इनकी यहाँ ये समस्या अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है। दूसरा एक प्रमुख समस्या जो यहाँ हमने देखी है, अस्पताल। इतनी बड़ी आबादी, लगभग 20,000 आबादी का ये गांव है और यहाँ कोई भी अस्पताल आसपास ऐसा नहीं है। लगभग 6-7 किलोमीटर दूर यहाँ के लोगों को अपनी बीमारी के लिए, इलाज के लिए जाना पड़ता है। जो अस्पताल यहाँ बना हुआ है वहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, जिसके लिए शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं होती। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। नाम बताइए अपना। अख्तर अली जी, आप यहाँ गांव के निवासी हैं, यहाँ प्रधान द्वारा जितने कार्य बताए गए हैं, जितना विकास बताया गया है, क्या वो विकास गांव में हुआ है? गांव में जितना प्रधान ने विकास बताया गांव में तो हुआ है। आप प्रधान जी के सभी कामों से यहाँ सहमत हैं, संतुष्ट हैं? सहमत है। पेंशन वगैरह मिल रही है यहाँ लोगों को आपको? या पेंशन वगैरह कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सब बंद हो गई। प्रधान जी आपकी पेंशन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं इस बारे में? कोशिश हमने तो प्रधान जी से भी कही, मैंने कितने आज वो परेशान पेंशन के मामले में इंतजार। प्रधान जी की कोशिश जारी है कि आप लोगों को सारा लाभ मिले जी। और इस रास्ते की बहुत परेशानी है जी, एक ये रास्ता और एक नहर वाला, दो रास्ते उनकी बहुत परेशानी है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैडम आपका नाम बताइए, आप यहाँ पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त हैं, जब से आप यहाँ आई हैं प्रधान जी द्वारा क्या क्या काम यहाँ करवाया गया है अध्यापक इसमें विद्यालय में? यहाँ पर ये जो टाइल्स लगी हुई थी ये सही करवाया हुआ, जो मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो यहाँ पे भराव डलवाया गया था। क्या प्रधान जी यहाँ समय समय पर आते हैं, जब 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 आपको मतलब लगता है प्रधान जी की याद आती है विद्यालय में, क्या वो यहाँ आते हैं यहाँ पर? हाँ, जब उनको बुलवाया जाता है तो वो आते हैं। मिड डे मील वगैरह सही मिलता है यहाँ बच्चों को, उसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं?